घर आते ही मुझे मेले का पहला गिफ्ट मिला है, इतने प्यार से घर का तोहफा मिला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले हम करते हैं नाश्ता। बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ दिया है, फिर नाश्ते के बाद उनका पेपर ख़त्म हो जाएगा तो फिर बच्चों को लेने भी जाना है। बेगम को चेकअप करवाना है, इनका ना कोई हफ्ता हो गया, इनकी गर्दन नहीं ठीक हो रही, इनको तकिए शक्के भी गर्म कर कुर के लगाए हैं, मेरे ख्याल में वो भी नहीं फिर असर हो। अब ऊपर नीचे नहीं होते, उम्मीद है कि ये ना थोड़े दिनों तक बिल्कुल ही अकड़ जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, अकड़ जाएंगी, तो हम कोई फिर नया नया सोचेंगे। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, मेरे से भी दुगनी तिगनी दे। अच्छा तो खैर पहले सबसे पहले अभी चाय पीनी है, चाय पी के फिर इंशाल्लाह ताला अगले सफर को कंटिन्यू करते हैं। लो जी हमारे शहजादे आ गए हैं दोनों स्कूल से, और सलाम दो। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? सलाम करो शेरी। हाय हाय हाय, दूध दूध, इसको दूध की बड़ी जल्दी होती है, दूध मिलते हैं। चलो चलो तो बस ये दूध पीते हैं, जुरेस को भी देती हूं। बस जल्दी जल्दी तैयारी करो फिर निकले, इनको कल छुट्टी है तो आपकी गर्दन शर्दन चेक करवा लें, याद अल्लाह करे सही हो जावे। डिंगी गर्दन वाले में भी बन जावे बिल्कुल, ऊपर अक्सर मैंने देखे। जब आप मेरे साथ कुछ करोगे या फिर मैंने अल्लाह से ही फरियाद करनी है, फिर मैं ऊपर कैसे देख के करूंगी। हां वही तो, जल्दी जल्दी फिर तैयारी कर ले। घर के लिए निकल पड़े हैं हम, गाड़ी में बैठ के सामान भी हमने रख लिया है जो उधर ले जाने का है। और टाइम क्या होगा? टाइम 1:15। आज जल्दी निकल रहे हैं, है ना? हां जी, चले दो दिन है, आराम से वहां सुकून करेंगे फिर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हाँ जी चलते हैं, मौसम आज ऐसा है, धूप थोड़ी थोड़ी सी है। हाँ। लेकिन इतनी कोई खास सर्दी नहीं है। हाँ नहीं है, इतनी नहीं है। इन दोनों को खांसी लगी हुई है, ये माल्टे असल में जूस निकाल निकाल के पीते हैं दोनों। चले भाई मिलना मिलाना है, मिल लो, कोई नहीं नहीं कोई नहीं मिलना मिलाना। अच्छा चलो ठीक है फिर चले। अब हम हरियामाला पहुंचने वाले हैं, है ना? पहुंच गए हैं और 1:32 34 मिनट हो गए। ये यहाँ तक का सफर तो हमारा कितने में, 35-34 मिनट में हो जाता है। हाँ ये वाला ना, हाँ हमें अगले वाला सफर ना खराब करता है। अब देखते हैं अगला सफर कितने मिनट में होता है। मेन रोड तो बन जाए तो जबरदस्त है, बहुत ही करीब है। आगे से भी क्या आ रहे हैं, ये भेड़े हैं दुम्बे, जुरेज है दुम्बे पीछे देख अंदर देख, दुम्बे भी हैं खोते भी हैं, दोनों हैं। खोते बड़े सेहतमंद हैं, है ना? जो यहाँ लोगों के पास होते हैं वो तो बड़े कमजोर कमजोर होते हैं, वो होते भी छोटे हैं, ये बड़े वाले हैं। माल्टो का सीजन आ गया और माल्टो के बाग के करीब तसव्वुर की ब्रेकें लग जाती हैं, है ना? तोड़ के भी। अब आप क्या करने जा रहे हैं? मैं पता करता हूँ, अगर मिलते हैं तो। ये तो हम अभी चलते हैं इधर, सही हुआ तो वो तोड़ लेंगे, तोड़ेंगे तोड़ेंगे। ये रेड रेड तो भाई हो चुके हैं, है? अंदर से पता नहीं कैसे, अंदर से ये नहीं, अभी कच्चे हैं, अभी पक्के नहीं है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं, हमें यहाँ पे बंदा कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ हम पहले भी आए थे यहाँ पे, बाग तो अच्छा है। वीडियो भी वो वही के हाथ में कैमरा पकड़ा के, पेड़ भी कटा पड़ा, ये गिर गया, ये देखे मोटे मोटे, ये देख अभी कच्चे हैं, अभी ग्रीन। इधर आ, इधर आ जी, ये सही है, दरख्त दरख्त गिरा पड़ा है लेकिन उसके ऊपर फिर भी बड़े लगे हुए, ये देखो कितने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह।
यहाँ हम थोड़ी देर रुके हैं और शेरी को यहाँ डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उसने असल में ना अपनी उंगली खराब की है नाखून उतार के, तो हम कहते हैं कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए तो वो दिखा दे। और इधर तो सवर गए हैं फ्रूट लेने, तो घर वालों के लिए फ्रूट ले लेते हैं और फिर सीधा घर चलते हैं। अब सिर्फ थोड़ा सा सफर रह गया इस साइड पे जाना है। घर हम पहुंच गए और बस जो बच्चे नजर आ रहे हैं ना, खातून भी नजर आ रही है, हमारे इलाके में लगा हुआ मेला। हाँ, बड़ी दूर दूर से यहाँ पे अभी खवातीन आ रही है। हाँ, मेले को एंजॉय करने, और मेले से ज्यादा इन्होंने खरीद फरोख्त करनी होती है। हाँ, बर्तन शर्तन बर्तन लेते हैं। हाँ, ले लेते हैं। और, हाँ, और ये कुछ आगे रिक्शा आपको भरा हुआ नजर भी आ रहा है, वापस जा रही है, वापस जा रहे हैं। तो बेचारा ना, गांव की खवातीन के लिए साल में ये एक इंटरटेनमेंट आती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें वो खुल के शॉपिंग कर सकती है। ये मेट्रो प्लस भी है। हाँ, मेट्रो और सेंटोरस भी है। सेंटोरस भी है, यही एम्पोरियम भी है। एम्पोरियम भी है। सारे माल आप यूं समझने के हम बेचारों के लिए ना। हाँ, ये सब कुछ है। अच्छा जी, हमने कहा जाते जाते मेला भी देखते जाते हैं, तो हम मेले वाली जगह से मैं इस व्हील पे बैठा था। ये जो है गरम गरम जलेबी बन रही है, लेनी है तो ले लो, आप लोगों ने चाय के साथ खानी है तो। ये इधर भी बन रही है, खजूरें भी बन रही है, जलेबी भी बन रही है। शेरी को ले दो जलेबी, बेचारे को, जुरेज को भी। हाँ मामा कुछ खा लेने दो। हाँ? कुछ सूत्रे से ले आओ, किसी सूत्रे जैसे सूत्रा बन सारे ऐसे ही है। मेले की मिठाई और पकोड़े ले लिए। हाँ जी, ये गर्मा गर्म गर्मा गर्म, और ये पकोड़े ठंडे ठार, और जलेबी भी है। हाँ वो मैं घर जाके दिखाऊंगी, पकोड़े ठंडे। चलो चख के देखते हैं। घर हम पहुंच गए और सुरेश को हमने उतार दिया है कि जाके अंदर से गेट खोले, और ये आ गया हमारा घर। घर ये हमारा है जी, गरीब। हाँ जी, खाना। गरीब खाना, अब अमीर खाने में रहते हो गई। ये है हमारा अमीर खाना। चले जी, मैं उतरती हूँ और गेट खोलती हूँ, चाबी ले जाना। घर आते ही मुझे मेले का पहला गिफ्ट मिला है जी। और शेरी का भी मेले का गिफ्ट है। शेरी ये दिखाओ, शेरी की ये गाड़ी है, और ये हमें दिया है। हम जिनको देते हैं, आप देते हो किसी को जो कोई आपको दे? शेरी देता है। हाँ, खोलो आराम से। ये क्या है? हाउस। अभी मैं आपको इसकी आगे वाली लुक दिखाऊंगा। लाइट लगता है, रियल हाउस। रियल हाउस लगता है। ओ ये तो खुल भी नहीं रहा। आराम से तोड़ना देना। आगे से अभी मैं दिखाता हूं। इतने प्यार से घर का तोहफा मिला है, इतने प्यार से न्यू हाउस। ये किसको मिला है नया घर का तोहफा? मम्मा को। हाँ जी, और सुरेश को। सुरेश भी मेरे साथ रह सकता है। चुप तो करो, सुरेश भी रह सकता है इस घर में है, रहना जी। लाइट्स भी, कितना प्यारा है, डोर भी बना हुआ है। और मैंने ये दूध वगैरह भी डाला है और उसको बॉइल किया है, और उसके बाद अभी ये फ्रिज को हमने साफ सफाई करनी है। फ्रिज की ये भी कर लेंगे, तो काफी बर्फ जमी हुई है। और ये किचन की भी सेटिंग करनी है, इसको भी सफाई करनी है सारी, वो भी कर लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने से पहले मैं एक काम करती हूँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, वो धुल जाएंगे तो उसको हम पंखे में डाल देंगे। पे चलते हैं, मैंने कपड़े धोए थे वो उतार लेते हैं क्योंकि शाम हो गई है। जो कल मैंने धोए थे वो भी मैंने छत पर डाले हैं, और जो अब बाकी रह गए हैं और जो सूख गए हैं वो भी उतार लेते हैं। दरवाजों में से आवाजें आ रही हैं, इनको भी तेल देना है, ये भी दे लेते हैं, देखते हैं सूखे हैं कि नहीं। धूप तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, तो इन कपड़ों को नीचे डालेंगे क्योंकि ऊपर नमी पड़ती है। ये देखें इधर, ये गीले हैं, ये कुछ सूख गए हैं। उधर भी डाले इसमें तार पर बेडशीट, दीवार पर, दीवार से बेडशीट उतारते हैं इनको। ये सूख गई है, और ये सारे कपड़े, बस धूप ही। सर्दियों की धूप ऐसे होती है, निकलती है और छुप जाती है, ख़त्म हो जाती है, इतनी सी होती है।
और गर्मियों में तो बस कपड़े डालते ही सूख जाते हैं। तो सुबह उठने के बाद सारे काम कर लिए, फी हद तक ना गर्दन को भी आराम है, लेकिन ना थोड़ा थोड़ा है फर्क, पर नीचे करती हूँ ना तो थोड़ा सा होता है फील कि भी अकड़ी हुई है, लेकिन ठीक हो जाएगी, आराम आ जाएगा टाइम के साथ साथ। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और खाने पीने की तैयारी करते हैं। खाने में क्या है, साग बनाना है, तो मज़ेदार सा साग रेडी करते हैं। आपको पता है सर्दियाँ आए और साग ना बने, डेली साग बनता है, फिर भी अक्सर होता है कि आप साग नहीं खाना, लेकिन फिर दोबारा से फरमाइश आ जाती है साग बना दो, साग सालन भी बनाया साग भी, तो इससे बेहतर है बंदा साग ही बनाता रहे। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों से लेते हैं इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।